ये देखिए स्क्रीन पे जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया का गांव है रामनगर। और ये जो आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक, ये शारदा नदी की मेन धारा है और ये पैंटून का पुल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी नया बना है। इससे पहले जब इस गांव को जाना पड़ता था हम लोगों को गन्ना सर्वेक्षण निरीक्षण या जाँच करने के लिए, तो नाव से जाना पड़ता था, और अब चूंकि ये पुल बन गया है, ये देखिए, तो इससे बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। और ये शारदा नदी की मेन धारा है, अभी तो आपको इतनी दिख रही है करीब ये 500 मीटर में, लेकिन जब ये बारिश होती है तो करीब 10 किलोमीटर के रेंज में ये पानी होता है इसमें। और ये जो आपको जैसे सामने दिख रहा है रेगिस्तान का जैसे नज़ारा, पूरा रेत, और इधर ये छनान में जो इस समय चूँकि पानी नहीं है तो गेहूं बोया गया है, और यहाँ आगे गन्ना बोया गया है। दूर यहाँ से रामनगरी करीब 1 किलोमीटर है, और ये दूर देख रहे होंगे ट्राली, जो आपकी बैलगाड़ी और ट्राली जो आपको दिख रही होंगी, ये अपना गन्ना ही छील करके ला रहे हैं। पहले ये गन्ना नाव से ले जाना पड़ता था, क्योंकि चीनी मिल गेट पे सप्लाई है इस गांव की। और ये पूरा नज़ारा देखिए रेगिस्तान जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दूर दूर तक। और ये शारदा नदी का जो पानी दिख रहा है वो नीला नीला, और ये पूरा ये रामनगर का इलाका है, बड़ा गांव है, 10 किलोमीटर की रेंज में ये नदी बहती है जब यहाँ बाढ़ आती है, और ये जून से लगा के और सितंबर तक। तो ये पूरा देखिए आप, ये है यहाँ का परिदृश्य, और ये देखिए पूरा नज़ारा आपको नदी का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये पेंटून का पुल है, जब बरसात आएगी तो ये हटा दिया जाएगा, और अभी जब तक ये पानी कम रहेगा तब तक ये पुल काम करेगा। देखिए इसकी धारा आप देख रहे होंगे, और ये रस्सियों से सपोर्ट दिया गया है दूर तक। ये रस्सियां हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं इस तरीके से इस पुल को रोका जाता है। ग्राम है रामनगर, और गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर का गांव है ये। तो हम लोग देखिए यहाँ गन्ना सर वो चेक करने आए थे। देखिए पेंटून का पुल बना हुआ है, और ये शारदा नदी है, इधर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और अभी ये नया पुल बना हुआ है। और ये देखिए कैसे गुजरने, दादा कहाँ रोको जरा, कौन गांव है आपका? रामनगर। तो यहाँ कैसे गए थे आप? खेती इधर है क्या? तो गन्ने खेती करते हैं क्या? हाँ देखिए गन्ने खेती करते हैं, तो ये पूरी नदी है, इसको पार करके जाते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो भाई चलो, ये भी जा रहे हैं भाई, देखते हैं। ये पूरा रेगिस्तान जो दिख रहा है। अच्छा ये भैया बताइए, जहाँ खड़े हो बरसात में ये कहाँ तक नदी दिखती है इतनी दूर तक? कुछ पता नहीं चलता, 3-4 किलोमीटर होगा क्या? और ये शारदा नदी है, बहुत बड़ी नदी है। अच्छा 7-8 किलोमीटर लोग कहते हो जाए, 10 किलोमीटर। तो अभी जहाँ खड़े हैं ये मेन धारा यही है, ये मेन धारा है जिस पे ये पेंटून देखिए पुल बना हुआ है, अभी ताजा बना हुआ है। अभी कितना दिन हुआ? 15-20 दिन हुआ है पुल बने। और एक गांव हमारे परिषद का इधर भी पड़ता है रामनगर, बहुत सारी गन्ने खेती इधर भी है। और यहाँ यहाँ पे देखिए गेहूं वगैरह ये बोया है, आप देख रहे होंगे, और ये रेगिस्तान जैसा दिखता है। ये किसानों की जमीनें हैं जो पहले नदी में कट चुकी हैं। क्यों? हाँ, और यहाँ काफी लोग काम करने के लिए आते हैं देखिए, और ये लकड़ी वगैरह अपने लेके जाते हैं जो दैनिक दिनचर्या है। और इधर देखिए बैलगाड़ियां भी आ रही हैं, तो इस हाँ आना जाना, ये पुल बनने से काफी सुविधा हो गई है। जब पुल नहीं था तो नाव से जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कतें होती हाँ, तो थी, बड़ा खतरनाक स्थिति थी इधर, बहुत दिक्कतें थी। हाँ तो ये पुल बनने से काफी सुविधा हो गई है। उधर और के लोग देखिए इधर बाजार करने नहीं आ पाते थे, अच्छा बाजार वगैरह अक्सर करने तो नहीं इधर आ बाजार आ पाते थे, जाते तो हैं, एक इतना नॉलेज तरीके इकट्ठा से हो वो जाता पूरा है। बरसात में कट जाता था, बरसात में ही क्यों, इस समय भी कट जाता था, कटा रहता था। तो ये पूरा एरिया है ये कटा हुआ है, पहले यहाँ गन्ना हुआ करता था, अभी जो पानी कम हुआ है तो जाड़े में ये गेहूँ ले लेंगे, और हर बार काफी कटान कर लेती है नदी। तो ये पूरा रेगिस्तान जैसा नज़ारा दिखता है, ये राजस्थान का नहीं है, ये लखीमपुर का है, शारदा नदी का। दूर दूर तक देखिए, इधर जरा दिखाओ नदी, दूर दूर तक देखिए नीली नीली, क्लोजअप में भी दिखा देना। तो ये पुल वगैरह, अच्छा ये रुकता कैसे है, ये तो
खोखला होता है तो कैसे रुकता है? नहीं, रुकने का तरीका इंटरलॉक का होता है, रुकने का। अच्छा अच्छा जंजीरें, ये जो रस्सी इधर पड़ी हुई है, ये पुल किससे रोका गया है? ये रस्सी जो पड़ी हुई है ये पुल रोकने के लिए है, तो दूर उधर उन्होंने कुछ दिया है इसका सपोर्ट। जंजीर पड़ी थी। अच्छा जंजीरें भी पड़ती हैं और इसको आपस में जोड़ दिया जाता है पुल को। हाँ, और धारा देखिए कितनी तेज चल रही है। तेज धारा चल रही है ये देखिए इधर। अच्छा, और इसे लकड़ी की गटे डाल दी गई है, ऊपर पुल बना दिया गया है। इसको पीपे वाला पुल भी बोलते हैं, क्यों भैया? पीपे वाला ही पुल बोलते हैं। ये बरसात में फिर इसको निकाल के रखना पड़ता होगा, साइड में कर देते हैं, फिर लगा देते हैं। बरसात जब हो जाएगी तो इस पुल को खोल के रख दिया जाएगा, और जब बरसात पानी आ जाएगा, हाँ, जब इससे क्षमता नहीं रहती यहाँ पे, तो मजरों में इसको हटाना पड़ता है, तो इसको रख देंगे और फिर जोड़ दिया जाएगा। तो एक तरीके से लिंक मार गया है। दादा रोको, क्या लाए हो? तो गन्ना लिए जा रहे हो? पर्ची आई है क्या? कब आई पर्ची? तो गन्ना कहाँ तोलाओगे? गुलरिया गेट पे ले जाओगे? अच्छा, तो ये देखिए इस गांव से, रामनगर से, ये जिधर से ला रहे हैं बैलगाड़ी से, तो ये अब गुलरिया ले जाएंगे। ये छोटे किसान हैं और ये नदी पार करा के, ये जो पैंटून का पुल है, फिर ये बैलगाड़ी से गुलरिया गेट पे जाएगा। चीनी मिल गुलरिया जो लखीमपुर की है, बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल है, उसको ले जाएंगे। 98014 गन्ना प्रजाति है, तो इसमें तो रोग वगैरह लगने लगा, कुछ बदलोगे नहीं क्या? बहुत मजबूत है आपके ये, क्या क्या खिलाते हो इनको? चारा। अच्छा चलिए, तो भैंसे मैंने वैसे यहाँ देखा नहीं, आपका भैंस दिखाए। तो ये पुल बनने से काफी आराम हो गया? बहुत आराम है। और जब पुल नहीं था तब गन्ना कैसे लाते थे आप? नहीं, तब कैसे गन्ना लाते थे? पुल तो अभी बनाइए, नाव से ले जाते थे। देखिए ये पुल बनने से पहले ये नाव से ले जाते थे, और अभी से ये सुविधा हो गई है कि ये बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से भी ले जा सकते हैं। तो ठीक, क्या नाम है आपका? तो सीताराम जी, ठीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए ये बैलगाड़ी है, देखिए भाई लेके जा रहे हैं गन्ना, वरना नाव से ले जाया करते थे। ये शारदा नदी है, देखिए इसमें बैलगाड़ी लिए जा रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? प्रहलाद। प्रहलाद जी कहाँ से आए हो? रामनगर से। क्या लाए हो उस लड़ी में? अच्छा, तो खेती इधर है आपकी? रहने वाले यहाँ के हो? अच्छा चलो ले जाओ भाई। देखिए बैलगाड़ियां गुजर रही हैं, पैंटून का ये पुल है, शारदा नदी है ये। क्यों भाई जी, आप भी हल लाते हो क्या इसमें? अच्छा, तो ये पार खेती है, इधर से खेती करने जाते हैं।